In this session, we shall do the lesson The Story of Tea, Part 2, from This Habit of 2, About You. Now we shall start. Thus, that is in this way, the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England. In this way, is prakar, the habit of drinking, so jo chai peena hai, okay, it spread. वो फैल गया अब जापान यूरोप एंड इंग्लैंड वेयर इट बिकेम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल एंड इट बिकेम अ फैशन एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल हाउ डिड दिस मैजिकल बीवरेज गेट इट्स नेम कैसे इसे ये चाय या टी नाम पड़ा है द चाइनीज कैरेक्टर ट वॉज फर्स्ट यूज इन अर्ली इंस्क्रिप्शंस टू डिस्क्राइब टी इंस्क्रिप्शंस That is a books, okay? Early books, यानी वो जमाने की जो किताब है उनमें उसकी यानी register किया गया कि they used to say t. But later, a new character ch was developed to refer specially to tea. First it was called t and then it was called as a ch. So t first और बाद में ch. The word ch is now sometimes used in English to refer to China tea. And As we all know, it is very close to the Hindi word chai, which is used all over India to refer to tea. Now, जो ch शब्द है, वो आज भी अंग्रेजी में Chinese chai के लिए use किया जाता है. And now, and from ch in Hindi, it has become chai. और हिंदी का जो chai शब्द है, वह उसके ऊपर से तैयार हुआ है. How did tea first came to India? इंडिया में चाय कैसे आई है हिस्टोरियंस थिंक ना जो हिस्ट्री के जो अभ्यासक है वे कहते हैं दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट सिंस एंशियंट टाइम्स बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर अंटिल द ब्रिटिश बिगैन टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस इन द 19th सेंचुरी सो चाय इट वॉज नोन ओके एज अ मेडिसिनल यानी औषधि करके एंशियंट That is प्राचीन समय से वो परिचित था बट इट वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर आनंद के लिए जैसे हम सुबह शाम चाय पीते हैं इट वॉज नॉट लाइक दैट इट वॉज ड्रंक इट वॉज जस्ट फॉर द मेडिकल पर्पज बट वेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द प्लांटेशन इन 19th सेंचुरी पर जब ब्रिटिश लोगों ने उसका बड़े तौर पर प्लांटेशन या उसकी खेती शुरू की देन पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग टी फॉर प्लेजर इन द 1770s The British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam. So in 1770, they did many attempts, okay, बहुत सारे प्रयास किए, but they were a failure, they were unsuccessful. So उन्होंने प्रयत्न किया that they should cultivate tea with seeds from China and they got the seeds from China. Although these attempts failed, which indicates the contrast, यानी ये failure हुआ था, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley. And he noticed, oh, यहाँ से बाहर से लाने की, China से बीज लाने की क्या जरूरत है, it is in the India itself, upper Brahmaputra valley. In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. And it was so nice in taste that from Assam, it was sent to England for public sale. Since then, and from that time, India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. और तब से India is a leading producer. India में सबसे ज्यादा चाय बनाई produce की जाती है और सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छी वाली. The tea lovers claim वे ऐसा दावा करते हैं दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर देखो अभी ये जो टी कंजम्पशन है ओके इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं कंट्रोल ब्लड प्रेशर फाइट वायरसेस इन योर बॉडी एंड एक्चुअली हेल्प यू लिव लॉन्गर एंड इट हेल्प्स कि आपकी जो आयु मर्यादा है ओके सो यू कैन लिव लॉन्गर इफ यू कंज्यूम टी अ बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स एक तरह का केमिकल हमारे बॉडी में तैयार होता है कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स जो हमारे काम का नहीं होता है दे कैन डैमेज आवर बॉडी डैमेज दे कैन हार्म
जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं एंड आर हेल्थ. टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स, पर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्लेवोनॉइड. तो साइंटिस्ट बिलीव दीज हेल्प टू प्रोटेक्ट अ सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स. सो ये हमें वो फ्री रेडिकल से सुरक्षित रखते हैं. फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स. यस वी डू अग्री, दोस्तों के साथ लेने की वो एक ड्रिंक है कि सब हम दोस्त मिलकर लें. इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन. और बहुत सारे देशों में तो इट इज अ सोशल ओकेजन, कोई भी सामाजिक यानी कोई भी बात हो तो आप चाय पीते हैं. जापान, चाइना, रशिया एंड कोरिया हैव अ स्पेशल टी सेरेमनीज एंड ट्रेडिशंस. भाई ये देश जो है दे हैव अ स्पेशल खास टी सेरेमनीज या खास त्योहार होते हैं या कोई परंपरा है. दीज सेरेमनीज गिव पीपल द टाइम टू रिलैक्स, इसमें बड़ा रिलैक्स लगता है लोगों को. एंड एंजॉय द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द टी. मोस्ट पीपल इन जापान बिलोंग टू अ टी क्लब. ओके जापान में तो और भी आ गए, दे हैव देयर टी क्लब्स. ओके सारे लोगों के क्लब होते हैं, दे कम टूगेदर एंड ड्रिंक टी. वेयर दे गो एवरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी. और हर हफ्ते उन सबके मिलकर एक उत्सव जैसा मनाते हैं, एक फंक्शन सा मनाते हैं और सभी उसमें सहभागी होते हैं. Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. और जो ordinary सर्वसामान्य इंसान जो है common man or layman, okay? So he also feels that it is a ceremony, वो ऐसा occasion है, ऐसा एक function है जिसके कारण it associated with the religion, जिसका धर्म से संबंधित है. Tea they say, okay, लोग कहते हैं, is a healthy, enjoyable and stimulating drink. Stimulating, ताजा तरोताजा करता है, okay? It makes you fresh, full of good qualities. It reduces loneliness. अगर आप चाय पीते हैं, आपका loneliness, अकेलापन भी चला जाता है and calm your heart. It is a comfort in everyday life. It is एक तरह की आरामदायी चीज है. जब आप चाय पीते हो, चाय की चुस्कियां लेते हो तो उसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं. सो हर एक के रोजमर्रा के जिंदगी में एक तरह का आरामदायी ऐसी चीज चाय है. मेनी कोरियंस टूडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज फॉर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज. कोरियन लोगों में, कोरिया में भी दे हैव एन ओकेजन एंड दे सर्व टी. ओके ऑन स्पेशल स्पेशली द बर्थडेज या कुछ एनिवर्सरी का फंक्शन हो. इन मोस्ट एरियाज ऑफ चाइना द टी इज मेड इन स्मॉल क्ले टी पॉट. क्ले यानी थोड़े से मिट्टी के बर्तन में होता है. एंड एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड. और जो कप है वो आधे भरे हुए थे. द चाइनीज बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विद द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन. वो आधे कप भरे होते हैं. डज इट इम्प्लाई वट दे बिलीव. उनका विश्वास है कि आधा कप जो है वो आपके फ्रेंडशिप से, आपके दोस्ती और अफेक्शन दैट इज लव से भरना है. इन रशिया टी इज मेड एंड सर्व्ड इन सोमोवार्स. ओके सोमोवार्स, नाउ व्हाट इज दैट सोमोवार्स? इट इज अ स्पेशल रशियन टी केटल मेड ऑफ अ मेटल. ये मेटल की धातु की बनी हुई केटल रहती है और उसमें सर्व किया जाता है. वियतनाम प्रोड्यूसर स्पेशल वराइटी ऑफ अ टी सच एज लोटस टी एंड जेस्मिन टी. वियतनाम में भी खास ढंग की टी बनाई जाती है. इन जापान टी इज मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड मशा. ओके इन जापान दे क्रिएट दिस मशा. अगर आप इंटरनेट पर मशा ऐसे डालेंगे तो आपको ग्रीन, जैसे हमारी मेहंदी कैसे दिखती है, उस ढंग का पाउडर होता है. ओके और उस तरह की चाय बनाते हैं. द टी इज मिक्सड विथ बॉइल्ड वाटर यूजिंग अ बैम्बू विस्क. विस्क यानी जैसे हम रवि जिसे कहते हैं उससे विस्क करते हैं, जैसे हम जैसे एक विस्क करते हैं. एंड सर्व्ड इन अ स्मॉल बाउल. ओके मिक्स्ड एंड इट इज सर्व्ड. एंड हाउ अबाउट इंडिया? और अगर हम भारत के देश के बारे में बात करें, जैसे हमने वियतनाम, कोरिया, जापान, रशिया इन देशों की बात की, अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ओके हॉस्पिटैलिटी, ओके व्हेन वी
welcome the guest. Hospitality, that is when you welcome the guest as a token of our love, okay, or as a token of our hospitality. आप कोई भी घर में जाओ तो आपको चाय पिलाते हैं लोग. Most Indians in the humblest of homes, humblest, यानी कोई भी very poor home, you go to any home, they will offer you tea. Most Indians like their tea hot and with a good deal of milk and sugar in it. बहुत सारे जो भी इंडियंस के फैमिलीज है, they like the tea along with a good deal of milk. Okay, हम लोग दूध डालना पसंद करते हैं, a good deal of, बहुत सारा, and sugar. In the rainy season, it is brewed with ginger. Brewed, that is उबाल दिया जाता है उसे, जिंजर अदरक के साथ, to give an additional medicinal properties. ताकि उसे medicinal properties गुणधर्म आ जाए, औषधि गुणधर्म. Others add spices. और कुछ मसाले भी हम ऐड करते हैं, लाइक कार्डमम, इलायची, क्लव, लौंग या मेस, जायपत्री, टू ऐड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर. टी इज अ मस्ट आफ्टर अ प्लेट ऑफ अ स्पाइसी स्नैक्स. ओके, मसालेदार कुछ नाश्ता हो जाए और उसके बाद चाय होनी ही चाहिए, स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग्स. सम कॉन्सर्स. Okay, now pronounce this word very good, well. Okay, concerts, and this is a very nice word. If you read English newspapers, every now and then you come across this word. Some concerts, इसका मतलब है those, जिसे हम मराठी में कहते हैं दर्दी लोग कह सकते हैं. Okay, जो जानकार लोग हैं, जिन्हें आर्ट या कला किसी भी बारे में जानकारी, ऐसे जो दर्दी लोग हैं, जो concerts relish delicately flavored jasmine tea. डेलिकेट, थोड़ा सा फ्लेवर अगर जैस्मिन टी है, ग्रीन टी, लेमन टी एंड इवन आइस्ड टी, यानी आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, आइस्ड टी भी होता है. हाउ अबाउट यू, आप कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे? नाउ आफ्टर द लेसन वी शैल डू द वर्ड्स एंशिएंट, मॉडर्न, प्लेजर, ओके, दैट इज अ नाउन, एंड टू प्लीज इज अ वर्ब, सेवरल, मेनी. Although, they are the similar words, okay? They mean one and the same. Though, it indicates the contrast, okay? Virodhabhas hai, wo hum do se dikhate hai. For example, though he is fat, he can run fast. Yani wo bada mota hai, par wo zoro se bhagta hai. Although I was tired, I cooked food. Main badi thaki hui thi, par phir bhi maine khana banaya. Damage, haan. Important, significant, ceremonies, functions, belong to. Now, इसका एक अर्थ होता है be property of. कोई चीज मेरी है तो what I write? This house belong to me. ये घर मेरा है. This book belong to me. और दूसरा जो है be member of. I belong to 5th C class. यानी मैं उसकी member हूँ या मैं उससे हूँ. Affection, love, cardamom, ilaichi, mace, jaipatri, clove, lung, concerts, very good word, an expert on matter involving the judgment of a beauty, quality, skill, art, music, जानकार कह सकते हैं या जिसे दर्दी, जिसे समझ है उस बारे में. Puneities are connoisseurs, okay? The Puneites are connoisseurs, yani bade dardi log Pune mein hote hai, you know? If there is a play and if it is hit in Pune, that means everyone is going to like it. Yes? Pune people are very choosy, okay? They understand what is nice and what is not, what is good and what is not. The concert was a feast for connoisseurs, okay? Concert, yani jo mehfil hoti hai gaane ki, it was a feast. यानी वो मेजबानी थी कॉनोसर्स के लिए, जानकार लोगों के लिए. रिलिश, दैट इज टू एंजॉय, टू टेक पार्ट इन, यानी सहभाग लेना है, पार्टिसिपेट. आई टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, एवरी वन टुक पार्ट इन डिस्कशन. अ टोकन ऑफ, एज अ सिंबल ऑफ, वी गेव अ प्लांट एज अ टोकन ऑफ आर रिस्पेक्ट. चिल्ड्रन गेव अ क्लॉक as a respect of their love. A good deal of, that is lot of, bahut sara. After a good deal of discussion, we decided the destination to visit.
बहुत सारी चर्चा होने के बाद हमने जगह डिसाइड की जहां पर हमें जाना है। वी हैव अ गुड डील ऑफ ग्रोसरी। अब तो कोरोना काल है, सो कभी भी लॉकडाउन होता है, सो वी हैव अ गुड डील ऑफ ग्रोसरी, यानी बहुत सारा हमारे पास अनाज है, किराना है। बी एबल टू, आई एम एबल टू टेक ऑनलाइन पीरियड, यानी कुछ चीज आप कर सकते हैं। वी आर एबल टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। सिंस देन, यानी तब से, शी वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट स्टेट लेवल, एंड सिंस देन, और तब से, शी डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दैट मीन्स शी केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग। माई डैडी पनिश्ड मी। सिंस देन आई डिड नॉट लाई, और तब से मैंने झूठ बोला नहीं। In this way, we have learned the lesson. So now, what is your part that you have to read the lesson again and again along with the words? Why? If you understand each and every word of the in the textbook, you will be able to scan the text for the answer. Then you will be able to write the answer correct. So, with that, this lesson is over. Thank you. Have a nice day.